ये एक ओवर हैंगिंग बीम है। ओवर हैंगिंग बीम के लिए हमको क्या करना है, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करना है। तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जैसे हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए ड्रॉ किए हैं, वैसे ही यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, रिएक्शन निकालेंगे। तो रिएक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वाई डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस करते हैं। तो वाई डायरेक्शन में फोर्स का समीकरण जीरो करते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, रिएक्शन को निकाल रहे हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वाई डायरेक्शन में जो फोर्स को बैलेंस करेंगे तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, जो हमारा लोड है यहाँ पे लिखा हुआ है 1 किलो न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब हुआ 1 मीटर पर 1 किलो न्यूटन है, तो 4 मीटर पर 4 किलो न्यूटन हो जाएगा। 1 मीटर पर 1 किलो न्यूटन है तो 4 मीटर पर 4 किलो न्यूटन, प्लस ये हमारा हमारे पास क्या है, 3 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लगा हुआ है। तो क्या हो गया, आर ए प्लस आर बी यहाँ से आ गया, आर ए प्लस आर बी की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हमको क्या करना है, दूसरी इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करनी है। तो दूसरी इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू जीरो, किसी भी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट का अल्जेब्रिक सम क्या जीरो होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पे हम लोग ए के अबाउट मूवमेंट का अल्जेब्रिक सम निकालते हैं, तो सारा का सारा मूवमेंट ए के अबाउट लिखेंगे। तो ए के अबाउट जब मूवमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आर ए कि कौन कौन से फोर्स इस पर लगे हैं, आर ए, तो आर ए का ए के अबाउट मूवमेंट क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि आर ए का ए से डिस्टेंस क्या है, जीरो है। हमको इसको ध्यान रखना, ए पॉइंट को सारी डिस्टेंस कहाँ से होगी, ए। अब ये टोटल लोड हमारा यूडीएल वाला लोड, ये लोड कितना था, ये जो ये लोड हमारा है यहाँ से लेकर यहाँ तक लोड, ये कितना था, 4 किलोन्यूटन था। कहाँ पर काम करेगा, इस 4 के बीचों बीच कहीं यहाँ पर कहीं काम करेगा, मतलब यहाँ से 2 मीटर पर और यहाँ से 2 मीटर पर। तो दो अगर 4 किलोन्यूटन यहाँ पर काम करेगा तो इसका मूवमेंट क्या हो जाएगा, 4, और जो कहाँ पर काम करेगा, बीच में काम करेगा, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस क्या हो गई, तो हो जाएगी 4 × 2। यहाँ पे आर बी लगा हुआ है, आर बी क्या एंटी क्लॉक वाइज है, और आर बी का ए से जो डिस्टेंस है क्या है, 4 है, तो आर बी इंटू क्या हो जाएगा, 4। और सबसे लास्ट में हमारा क्या है, 3 है, तो माइनस प्लस क्लॉक वाइज इसलिए प्लस में हो जाएगा, प्लस 3 × 4 + 1 कितना हो गया, 5 = 0। तो ये होगा 0 + 8 - 4 RB + 15 = 0। तो 15 और 8 को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा, 15 और 8 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 23 = 4 RB। तो यहाँ से RB = क्या हो जाएगा, 23/4। तो RB की वैल्यू क्या आ जाएगी, 23/4 करेंगे तो 5.75। तो RB यहाँ से आ जाएगा 5.75 किलो न्यूटन। ये हमारी कौन सी वैल्यू आ गई, ये आरबी की वैल्यू है जो आ गई 5.75 किलो न्यूटन। अब इस आरबी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, कौन से इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में। जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें क्या, कौन सी वैल्यू मिल जाएगी, आरए की वैल्यू मिल जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 1 में आरबी की वैल्यू पुट करने से फ्रॉम इक्वेशन वन में कौन सी पुट करनी, आरबी, तो आरबी जहाँ पर है वहाँ पर पुट कर देंगे। तो आर ए प्लस 5.75 = 7 है, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 7 - 5.75 करेंगे तो 1.25 आएगा। तो आर ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1.25 किलो न्यूटन। अब हमको आर ए और आर बी की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ पर लोग लिख लेते हैं आर ए कितना है, आर ए इक्वल टू हमारा आ गया है 1.25 किलो न्यूटन, और आर बी इक्वल टू हमारा है 5.75 किलो न्यूटन। अब हमको क्या करना है, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो अब हमको क्या, अभी हम लोग क्या रिएक्शन का कैलकुलेशन किए, तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, शियर फोर्स का कैलकुलेशन करेंगे। शियर फोर्स कैलकुलेशन, अलग अलग पॉइंट पर शियर फोर्स की वैल्यू क्या है, तो हमको राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है। तो ये हो गया सी बी और ए, तीन पॉइंट पे निकालना है। तो शियर फोर्स,
सी पॉइंट पे, शियर फोर्स बी पॉइंट पे, शियर फोर्स जस्ट बिफोर ए, शियर फोर्स ई, ये चार जगह निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं सी पॉइंट पे शियर फोर्स क्या होगा। सी पॉइंट पे हम लोग साइन कन्वेंशन माने हुए हैं कि अगर राइट हैंड साइड में अपवर्ड है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और डाउनवर्ड है तो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये 3 किलो न्यूटन का किधर है, डाउनवर्ड है, इसका मतलब क्या होगा, ये निगेटिव डायरेक्शन में होगा। तो शियर फोर्स यहाँ सी पॉइंट पे कितना आ गया, निगेटिव माइनस 3 किलो न्यूटन। शियर फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस 3 किलो न्यूटन। अब यहाँ पे देखते हैं सी से लेकर बी तक कोई लोड नहीं लगा हुआ, इसका मतलब सी से बी तक वही रहेगा। जैसे ही बी पॉइंट पे आएंगे तो ऊपर की तरफ क्या लगा, आर बी लगा है। अब आर बी ऊपर की तरफ लगा है और जो भी चीज़ ऊपर की तरफ होता है क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अब हमारे पास कितना था, माइनस 3 था और प्लस आर बी, आर बी ऊपर की तरफ लगा था ना इसलिए प्लस में होगा। और आर बी की वैल्यू हमारी कितनी है, आर बी की वैल्यू था 5.75। तो 5.75 में अब माइनस थ्री से प्लस 5.75 करेंगे तो हमको मिलेगा 2.75। तो हमको बी पॉइंट पे क्या मिल गया, 2.75 किलो न्यूटन। अब हमको बी पॉइंट मिल गया, सी पॉइंट पे हमको माइनस 3 था, बी पॉइंट पे प्लस 2.75। अब ये टोटल लोड कितना है, 4 किलो न्यूटन है। अब 4 किलो न्यूटन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। अब हम अगर इस 4 किलो न्यूटन को माइनस करेंगे तो ए पॉइंट से पहले तक यूडीएल लोड लगा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे निकालते हैं शियर फोर्स जस्ट बिफोर ए, ए से पहले, ए से ये कितना था, 2.75 हमारा कहाँ पे था, बी पॉइंट पे था। अब जब यूडीएल को माइनस, यूडीएल क्या नीचे की तरफ लगा है इसलिए हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम माइनस करते हैं यूडीएल लोड को तो क्या हो जाएगा, 2.75 माइनस 4, तो यह आता माइनस वन पॉइंट टू फाइव किलो न्यूटन। तो ये हमारा 1.25 किलो न्यूटन हो गया। और जैसे बी पॉइंट पे जाएंगे वहाँ पे क्या, ऊपर की तरफ रिएक्शन काम करेगा और रिएक्शन की वैल्यू कितनी, 1.25। तो ये हो जाएगा -1.25 +1.25, क्योंकि अपवर्ड ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन है, इक्वल टू 0 किलोमीटर। हम लोग को क्या करना था, सी एफ फोर्स डायग्राम बनाना है। तो सी एफ फोर्स डायग्राम के लिए लोड, ये हमारा क्या है, लोड डायग्राम है। लोड डायग्राम के नीचे हम लोग सी एफ फोर्स डायग्राम बनाते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे क्या था, 3 किलो न्यूटन किधर था, डाउनवर्ड था। हम लोग निकाल रहे हैं सी पॉइंट पे हमारा शियर फोर्स कितना आया था, -3 किलो न्यूटन। और डाउनवर्ड को हम लोग निगेटिव मानते भी हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी पॉइंट पे हमारा क्या हो जाएगा, शियर फोर्स -3 किलो न्यूटन। अब यहाँ पे देखते हैं सी से बी तक कोई लोड लगा है, देखते हैं सी से बी तक कोई लोड ही नहीं लगा, ना तो यूडीएल है ना तो पॉइंट लोड है। जहाँ पे कोई लोड नहीं रहता है तो वैसे ही कॉन्स्टेंट लाइन हमारी ड्रा हो जाएगी, क्योंकि -3 था तो -3 यहाँ तक कंटिन्यू रहेगा। लेकिन जैसे ही बी पॉइंट पहुँचते हैं तो क्या लगता है, 5.75 का रिएक्शन लगता है। और जब ये रिएक्शन किधर लगा, ऊपर की तरफ लगा, तो ऊपर की तरफ लगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे। कितना ऊपर जाएंगे, -3 में 5.75 ऐड करेंगे तो ये आएगा 2.75 किलो न्यूटन। अब यहाँ से देखते हैं बी पॉइंट पे 2.75 है। अब ये यूडीएल लोड क्या है, कंटिन्यूस हमारा कम हो रहा है, धीरे धीरे ऐसे कम हो रहा है। और कम होते होते इससे जस्ट पहले हम लोग अभी निकाले हैं कितना है, -1.25 किलो न्यूटन। मतलब जो 4 किलो न्यूटन का लोड लगा था कंटिन्यूस, जो 4 किलो न्यूटन का लोड था क्या हो रहा है, कंटिन्यूस लगा हुआ है। तो यहाँ से धीरे धीरे लगते हुए जब ए पॉइंट पे पहुँचे, -1.25 किलो न्यूटन हो गया। और जब हम ए पॉइंट पे आएंगे, ये ए से जस्ट पहले था, और जब ए पॉइंट पे आएंगे तो हमारा रिएक्शन लगेगा 1.25। और इस तरह से हमारा ये डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम बन जाएगा। ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव है, नीचे क्या बना है, नेगेटिव है, और ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा क्या, नेगेटिव है। और ये कौन सा डायग्राम है, ये शियर फोर्स डायग्राम है। तो शियर फोर्स डायग्राम बनाना बहुत आसान है, जिस डायरेक्शन में हमारे फोर्स बने हैं उसी डायरेक्शन में हम जाते जाएंगे। 3 किलो न्यूटन हमें नीचे जाना था, नीचे आ गए। सी से बी तक कोई लोड लगता है, कांस्टेंट आ गए। बी पॉइंट पे देखे तो रिएक्शन हमारा 5.75, तो 5.75 ऊपर चले गए। अब देखिए बी से ए तक कंटिन्यूस 4 किलो न्यूटन का लोड था, जो धीरे धीरे कम हो रहा था, क्योंकि हर पॉइंट पे यूडीएल लोड लगा था। तो हमने कंटिन्यूस कम होते हुए ए से जस्ट पहले हमारा 1.25 था।
जैसे ही ए पे पहुंचेंगे वैसे ही हमारा क्या होगा, रिएक्शन काम करेगा और फिर से हम लोग ऊपर जाएंगे और इस तरह हमारा CFO डायग्राम बन गया। अब यहाँ पे हमारे लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, CFO की वैल्यू क्या हो रही है, जीरो हो रही है। तो जिस पॉइंट पे CFO की वैल्यू जीरो होता है उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। तो हमको इस पॉइंट को निकालना है कि किस पॉइंट पे CFO की वैल्यू जीरो होती है। तो उसको पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम ये मानते हैं, ये एज्यूम करते हैं कि ए से यक्स डिस्टेंस दूरी पर, ए से यक्स डिस्टेंस दूरी पर कोई सेक्शन एक्स एक्स है। हमको क्या निकालना था कि किस पॉइंट पे CFO की वैल्यू जीरो है। तो हम लोग मान लेते हैं ए से यक्स डिस्टेंस दूरी पर कोई सेक्शन एक्स एक्स है और इसी पॉइंट पे हमारा CFO क्या है, जीरो है। तो इसी CFO की वैल्यू को हमको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे CFO की वैल्यू क्या होगी वही हमको कैलकुलेट करना है। तो CFO की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे अगर हमको CFO निकालना है तो क्या हो जाएगा, RA ऊपर की तरफ है और ये वाला लोड किधर है, नीचे है, तो ये हमारा CFO हो जाएगा। तो अगर हम लोग लिखें CFO एट सेक्शन एक्स एक्स, ऐसे लिख सकते हैं CFO एट सेक्शन एक्स एक्स। अब इस सेक्शन पे CFO की वैल्यू क्या है, हमारा सब ऊपर की तरफ क्या है, RA है, ये RA ऊपर की तरफ लगा हुआ प्लस में होगा, यहाँ पे क्या है RA क्या ऊपर है और ये लोड कितना है, ये लिखा है 1 kN/m, मतलब 1 मीटर पे 1 kN। तो x मीटर पे 1 × x, 1 मीटर पे 1 kN है, तो ये कितना लोड लगा हुआ, नीचे की तरफ कितना लोड लगा हुआ, x डिस्टेंस पे लगा है ना। तो 1 मीटर पे 1 kN है, तो x मीटर पे 1 × x, और ये नीचे लगा है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1 × x। और हम जब हमें निकालना क्या कि हम तो मानेंगे कि CFO यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो जीरो इक्वल टू RA की वैल्यू है 1.25 माइनस 1 × x, तो x हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 1.25 मीटर। तो यहाँ से हमको क्या मिला, यहाँ से हमको ये मिल गया कि x इक्वल टू, यहाँ से हमको मिल गया ये कि x इक्वल टू 1.25 मीटर पे, x इक्वल टू 1.25 मीटर पे CFO की वैल्यू जीरो हो जाएगी। x इक्वल टू 1.25 मीटर पे CFO की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब आगे हमको क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी इसी डायग्राम के नीचे बनेगा, जो डायग्राम बना इसी डायग्राम के नीचे हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बनाते हैं। तो इस लाइन को ऐसे बढ़ाते हैं, तो ये हमको पॉइंट ए मिल जाएगा, ये पॉइंट बी मिल जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना था, ये हमारा बी हो गया और ये पॉइंट हमारा हो गया सी हो गया, मतलब लोड डायग्राम है, उसके नीचे CFO डायग्राम, इसके नीचे हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने से पहले हमको मोमेंट निकालना पड़ेगा हर पॉइंट पे, जब तक मोमेंट नहीं निकालेंगे तब तक हमको मिलेगा नहीं। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं मोमेंट कहाँ पे, सी पॉइंट पे। सी पॉइंट पे क्या होगा, एंड पॉइंट पे हमेशा मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। तो क्या 3 × 0 हो जाएगा, 3 × 0, तो क्या हो जाएगा 0 kN/m, ठीक है। हम लोग बी पॉइंट पे मूवमेंट निकालेंगे, तो बी पॉइंट पे मूवमेंट क्या हो जाएगा, 3 × 1। बी पॉइंट पे मूवमेंट क्या हो जाएगा, 3 × 1। या इधर से हम लोग कहीं से भी मूवमेंट निकाल सकते हैं, लेफ्ट या राइट से कहीं से भी। अगर हम लोग ए पॉइंट से निकालें, अब ए पॉइंट पे भी क्या हो जाएगा, ए पॉइंट पे क्या हो जाएगा, आर ए इंटू जीरो, 0 kN/m। इसका मतलब ये हुआ कि एंड पॉइंट पे हमेशा मूवमेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो कभी भी हम लोग BMD बनाएं तो जो भी एंड पॉइंट हो, सपोर्ट पे नहीं, एंड पॉइंट पे, एक इंडो यहाँ पे हो गया, एक इंड यहाँ पे हो गया, ये हमेशा जीरो होती है, इसको कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग मूवमेंट बी पॉइंट पे निकालते हैं, कहाँ पे निकालना है, बी पॉइंट पे। तो बी पॉइंट पे मूवमेंट क्या हो जाएगा, या तो हम इधर 3 × 1 कर लें, या तो इसको कैलकुलेट करें, तो कोई भी कैलकुलेट करे बात होगी। तो हम लोग इधर का कैलकुलेट कर लेते हैं, आसानी से हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3 × 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 × 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 kN/m। अब हमको क्या करना था, हमको निकालना है मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स, किस पे,
यक्स एक्स सेक्शन पे मूवमेंट निकालना था, मतलब मूवमेंट यक्स एक्स निकालना है ये, तो क्या हो जाएगा? अब ये सेक्शन हमारा कहाँ, यक्स एक्स यहाँ पे है ना, तो मूवमेंट इस सेक्शन पे क्या हो जाएगा, आर ए इंटू एक्स, क्या हो जाएगा आर ए इंटू एक्स, क्लॉक वाइज में तो क्या हो जाएगा आर ए इंटू एक्स माइनस। अब ये लोड मैंने अभी बताया था कि एक मीटर पे वन है, तो एक्स मीटर पे क्या हो जाएगा वन एक्स, तो वन एक्स कहाँ पे काम करेगा, ये यक्स है ना, तो यक्स बाई, अब यक्स का हाफ हो जाएगा ना, अभी तक हम लोग फोर का हाफ कर रहे थे लेकिन अब हम यहीं तक ले रहे हैं, इसका मतलब यक्स का हाफ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस वन एक्स इंटू एक्स बाई टू। और हमें पता है कि यक्स इक्वल टू 1.25 पे क्या था, एक्स इक्वल टू 1.25 पे क्या था, शियर फोर्स जीरो था, और जिस पॉइंट पे शियर फोर्स जीरो होता है उस पॉइंट पे मैक्सिमम मूवमेंट होता है, तो यह मैक्स क्या हो जाएगा, इसी में हम लोग क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू 1.25 रखेंगे, तो आर ए की वैल्यू क्या थी 1.25 और एक्स की वैल्यू 1.25 माइनस, अब देखो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 1.25 का स्क्वायर बाई टू। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा 1.25 इंटू 1.25 माइनस 1.25 का स्क्वायर बाई टू, तो इसको सॉल्व करने पे हमारा आ गया 0.78125 किलो न्यूटन मीटर, ये हमारी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ गई। अब हम लोग को क्या करना है, इसको बना लेना है, हम लोग कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे x इक्वल टू 1.25 पे हम लोग मैक्सिमम निकाले हैं, तो ये कितना आया 0.78125 किलो न्यूटन, बी पॉइंट पे कितना आया था 3, यहाँ पे 0, तो ये हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो बनेगा ये ऐसे बन जाएगा, ये हमारा पैराबोलिक बनेगा। पैराबोलिक क्यों बन रहा है, क्योंकि ये हमारा यूडीएल लोड है, यूडीएल लोड है इसलिए हमारा पैराबोलिक बन रहा है, और ये हमारा क्या है कैंटिलीवर बीम है, इधर क्या कैंटिलीवर है, तो कैंटिलीवर के लिए क्या होता है हॉगिंग कंडीशन होती है, उसका निगेटिव बनता है, तो ये हमारा निगेटिव बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर बनेगा, और ये क्या है 3 किलो न्यूटन मीटर, तो ये नीचे हमारा क्या बन जाएगा निगेटिव बन जाएगा, और ऊपर हमारा क्या बन जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा, ये क्या बन गया पॉजिटिव बन गया। अब यहाँ पे देखो एक कंडीशन और आ गई, अभी तक हम लोग क्या निकाले थे जिस पॉइंट पे, ये देखो ये लोकेशन क्या थी, जो मैक्सिमम पॉइंट इसका है, ये पॉइंट मैक्सिमम है, ये हमारा क्या था यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या था 1.25 मीटर था ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 1.25 मीटर है। अब हमको एक नया पॉइंट निकालना कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पे सीएफ बेंडिंग मूवमेंट जीरो हो रहा है, जहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट जीरो होता है या बेंडिंग मूवमेंट साइन चेंज करता है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ काउंटरफ्लेक्चर। इसका मतलब अगर बेंडिंग मूवमेंट किसके बीच जीरो, ए से बी के बीच जीरो हो रहा, इसीलिए हम लोग सेक्शन भी यहीं पे लिए। अगर हम लोग इस इक्वेशन को जीरो को इक्वल कर दें, इस वाली इक्वेशन को हम जीरो को इक्वल कर दें, तो जो एक्स की वैल्यू आएगी उस वैल्यू पे हमारा क्या होगा बेंडिंग मूवमेंट क्या होगा जीरो हो जाएगा, तो जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा आर ए की वैल्यू 1.25 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू है, तो जब इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू इक्वल टू 1.25 एक्स, देखो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी क्या हो जाएगी ये टू का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2.5 मीटर। इसका मतलब x इक्वल टू 2.5 मीटर पे हमारा क्या होगा, यहाँ से x इक्वल टू ये जो डिस्टेंस है ये हमारा कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, x इक्वल टू 2.5 मीटर पे हमारा a से x पॉइंट 2.5 मीटर पे हमारा क्या हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं पॉइंट ऑफ, ये कौन सा पॉइंट हो गया, ये हमारा है पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर, ये हमारा क्या हो गया पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर नति परिवर्तन बिंदु, जो ए से 2.5 मीटर है। तो इस तरह से हम लोग शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा लोड डायग्राम जो क्वेश्चन है, ये हमारा शियर फोर्स डायग्राम है।
ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। यहाँ पे शियर फोर्स जीरो था तो बेंडिंग मोमेंट हमारा क्या है, मैक्सिमम है। यहाँ पे जो यहाँ पे जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है उसे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्लेक्चर कहते हैं, जो ए पॉइंट से 2.5 मीटर डिस्टेंस पर। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।